भाई सारे तो आज करेंगे हरियाणा मानचित्र का। हरियाणा के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके बारे में एक बार देखेंगे भाई। जो भी सारे सारे इंपॉर्टेंट है वह सारे आपके आगे लेकर आए हूँ। तो भाई ध्यान से देखना, शिक्षण संस्थान करने वाले हैं सारे के सारे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इससे आई बार पूछा जाता है हरियाणा जी के टॉपिक से। तो भाई आपने ये ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो शिक्षण संस्थान का टॉपिक है, स्टार्टिंग करेंगे आप अपना अंबाला से, जो कि पंचकुला के बिल्कुल नीचे है और जिसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। तो अंबाला से स्टार्ट कर रहे हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो कि आपको पता होगा बहुत फेमस है यहाँ का। तो महर्षि मार्कंडेश्वर पंच अंबाला में मशहूर है और इसकी स्थापना भी याद रखनी अपन है। स्थापना कब हुई थी इसकी भाई? 2009 में हुई थी, जो कि अभी ज्यादा साल नहीं हुए। तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अंबाला के अंदर है और 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद ही साइड में ऊपर देख लेते हैं भाई, उसके बाद कुरुक्षेत्र का देखते हैं भाई। कुरुक्षेत्र की रुझारी साइड में आ, तो कुरुक्षेत्र में पहला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि 2002 में खोला गया है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय 1956 में खोला गया था भाई। इसकी जो उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये आपने याद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो कि अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद चलते हैं जनसंचार व मीडिया तकनीक संस्थान आकाश। उसके बाद पहला जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी भाई कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, आकाशवाणी केंद्र, जो कि 1991 में कुरुक्षेत्र में खोला गया था। सबसे पहला है रोहतक में, वो भी आगे आवागा, ठीक है। सबसे पहला आकाशवाणी है रोहतक में 1976 में, और जो सबसे दूरदर्शन है वो है हिसार में 2002 में सुषमा स्वराज के द्वारा, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये तो भाई कुरुक्षेत्र के जनसंचार मीडिया तकनीक एक बार फिर व्यास करते हैं, आकाशवाणी केंद्र 1991 में, उसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2002 में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सबसे इम्पोर्टेंट 1956 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके द्वारा खोला गया था। उसके बाद आ जाते हैं करनाल में, करनाल के उसके बाद करें कैथरगा। तो करनाल में भाई देखो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में, जिसका नाम NDRI भी है भाई, एशिया में पहले नंबर पे है यहाँ। तो यह भाई चीज आपने याद रखनी थी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में कहाँ पे? करनाल के अंदर, मेन चीज है। उसके बाद गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1978 के अंदर, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। 1978 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था और NDRI का किया गया था 1955। देखो गेहूं वाले का याद रहे बना रहे हो भाई, NDRI वाले की डेट जरूर याद रखना, आपका बहुत काम आओगी पेपर में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ये भी कहाँ पे है? करनाल में। इसकी डेट रखो या ना रखो कोई जरूरी नहीं इतनी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान 1984। केंद्रीय मृदा, मृदा भाई मिट्टी को कहते हैं, मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, तो ये भी करनाल के अंदर है 1969 में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय तो 1978 में ये भी खोला गया था। पुलिस एकेडमी मधुबन 1973 में, इग्नू क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में, ठीक है, इग्नू क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में। उसके बाद पुलिस एकेडमी मधुबन 1973, गेहूं अनुसंधान संस्थान 1978 में, और ये गेहूं अनुसंधान निदेशालय ये भी वही सेम ही है, दोनों चीज ये दो बार इसमें प्रिंट कर रखा है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में, और उसके बाद ये राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान 1984 में, और NDRI अपनी 1955 में। तो ये अपन भाई याद रखना है, और पशु अनुवंशिक संस्थान 1985 के अंदर। तो NDRI में एक बीच में, और एक ये अपना केंद्रीय मृदा लवणता, और एक गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1978 में, 1969 के अंदर। उसके बाद चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2003 में, देवीलाल की भाई जो भी फैमिली है सारी सारी सिरसा से बिलोंग करती है। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। उसके बाद है नीलम, नीलम देखो एल आर है भाई, नल कैथल में भी एल आता है, KAITHAL, तो एल एल से कनेक्ट कर लेंगे। नीलम विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। तो नीलम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 के अंदर, नीलम की 2011 के अंदर। डबल एल है इस टाइप भाई, दो एक के याद रख लो, जो इसने एल मान लो दो जो एक एक के है। तो नीलम की कब हुई है इनॉग्रेशन, मतलब कब स्थापना हुई है नीलम कैथल की? 2011 के अंडर भाई। मैं दोबारा दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि भाई आपने ये याद हो जाए। उसके बाद इंपोर्टेंट करना, सॉरी सोनीपत के
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2012। उसके बाद है निफ्टम, वहां पे देखो नीलम था NIELLM कैथल के अंदर, यहाँ पे है NIFTEM। उसके बाद भाई निफ्टम की फुल फॉर्म बताता हूँ, निफ्टम की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप होती है भाई लघु उद्योगों के, उद्योगों के बारे में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, तो ये होगी निफ्टम की। TR है सोनीपत, सोनीपत में भी TR हो तो निफ्टम कहाँ पे हो गया, सोनीपत में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैंने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में, तो ये कहाँ पे होगी भाई, सोनीपत में। 2012 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, मतलब खोली गई थी। उसके बाद अगले दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरथल के अंदर है भाई ये, और इसकी इनॉग्रेशन कब हुई थी, 1987 के अंदर। उसके बाद है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 के अंदर। उसके बाद OP जिंदल विश्वविद्यालय 2009 के अंदर, 2009 के अंदर भाई महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी भी 2009 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण संस्थान, तो केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण संस्थान भी अपना सोनीपत के अंदर है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान, दोनों के दोनों भी कहाँ पे है, सोनीपत में। और आपको पता होना चाहिए भाई खुम्भी जो की होती है मशरूम, वो भी सबसे ज्यादा सोनीपत में ही उगाई जाती है। थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया लेकिन बस मन मारा था तो इसलिए बता दिया। उसके बाद चलते हैं झज्जर पर, झज्जर की है जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जो कि 2010 में जगन्नाथ झज्जर में, जे जे थे याद रख लो, जगन्नाथ झज्जर 2010, जगन्नाथ झज्जर 2010। केंद्रीय संस्थान एम्स भाटसा, प्रस्तावित रेडिएशन सुरक्षा दक्षता संस्थान, तो कैंसर संस्थान जो कि एम्स भाटसा में है, तो वो भी कहाँ पे है भाई, झज्जर के अंदर है। इसका क्वेश्चन आपका इसमें करंट अफेयर्स में भी देखने को मिल सकता है आपने। आवणिक सुरक्षा दक्षता संस्थान, सोलर ऑफ एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम, ये सारे सारे भाई ये सोलर ऑफ एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर है। तो जगन्नाथ विश्वविद्यालय कैंसर संस्थान, ठीक है, ये होगी मेन मेन आगे। उसके बाद सोलर एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम जसोर खेड़ी कहाँ पे, झज्जर के अंदर। उसके बाद पलवल का भाई एक MVN विश्वविद्यालय कहाँ पे है, पलवल में। तो कही ना भाई इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, जो पलवल के जरूर दे रहा होगी। तो MVN की जो फुल फॉर्म है वो है मॉडर्न विद्या निकेतन, तो यहाँ पे लिख देता हूं भाई। तो जो MVN के अपने पास फुल फॉर्म है मॉडर्न विद्या निकेतन, तो याद रखनी, तो मॉडर्न विद्या निकेतन भी आ जाए या MVN आ जाए, तो हमने याद रखना कि ये कहाँ पे है भाई, पलवल में, और 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद चलते हैं अपन नीचे थोड़ा और हल्का, फरीदाबाद के, फरीदाबाद के देखो भाई मानव रचना विश्वविद्यालय 2008, लिंगया विश्वविद्यालय 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान 1988 में फरीदाबाद में, YMCA विश्वविद्यालय 2009। तो भाई जो YMCA का नाम भी बदल दिया गया है फिलहाल में, जगदीश चंद्र बोस के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है। तो YMCA जगदीश चंद्र बोस को इसी हो, तो आपने पता होना चाहिए दोनों की दोनों कहाँ पे, फरीदाबाद में, और 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय लिंगया विश्वविद्यालय 2009, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान। तो भाई देखो दोबारा दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई आपने याद हो जाए, और कोई भी रीजन नहीं है इसमें, उन्हें अभी एक मैंने वीडियो लंबी खींचनी है, बस ये आपको भाई दोबारा दोबारा बोल रहे हो तो आपके माइंड में चीज रिवाइज होती है, रिवाइज होंगी तो भाई आपके माइंड में वहां पर चार ऑप्शन दिखेंगे तो आपका एकदम माइंड में वहां तक कट देना हो जाए कि भाई हाँ ये मैंने उस टाइम पर दो तीन बार बोल रहा था तो मेरे को आता है। उसके बाद मेवात में देखते हैं, मेवात में आसन खां मेवाती राजकीय विश्वविद्यालय, आसन खां मेवाती राजकीय विश्वविद्यालय कहाँ पे, देखो इसमें तो मेवाती नाम ही आ गया तो मेवात में, सीधी सी बात है। मेवात की स्थापना कब हुई, 2005 में, पलवल की कब हुई थी, 2008 में, तो ये भी पता होना चाहिए अपन। उसके बाद है गुड़गांव, गुड़गांव में देखो GD गोयन का विश्वविद्यालय, अंसल विश्वविद्यालय 2012 में, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कैबिनेट संस्कृति 2010, ये कोई जरूरी है, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर। APJ सत्य विश्वविद्यालय 2010 के अंदर कहाँ पे, गुड़गांव में। ITM विश्वविद्यालय
गुड़गांव में अमीर टी विश्वविद्यालय जो कि इम्पोर्टेंट है 2010 में एस्टेब्लिश हुई है गुड़गांव के अंदर। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ पे है, मानेसर के अंदर है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, गुड़गांव के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, तो आप चलते हैं पापा महेंद्रगढ़ के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि जनतपाली 2009 में, तो सबसे पहला विश्वविद्यालय था भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे, महेंद्रगढ़ के अंदर, इस टाइप में भी आपसे पूछ सकता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जनतपाली 2009 में कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में खोला गया। उसके बाद हल्का ऊपर देखो भैया नीचे आ रही है रोहतक यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर आ रही है, तो ये सारी की सारी आ रही है रोहतक की। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि एमडीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ये है भाई इंपॉर्टेंट देखो, एक तो चौधरी चरण सिंह हिसार की, दूसरी अपनी पहली पे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, मैं एमडीयू है और चौधरी चरण सिंह है, तो ये तीन यूनिवर्सिटी ऐसे भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है रोहतक की बाबा मसनाथ विश्वविद्यालय जो कि 2012 में इनॉग्रेट किया गया था, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बड़ी चीज है भाई, उबार के टाइम पे लाई गई थी। तो 2009 में IIM रोहतक के अंदर आया था जो कि सुनारिया गांव के अंदर है, सुनारिया गांव के अंदर है IIM जो कि 2009 के अंदर रोहतक के, हरियाणा के रोहतक शहर में आया था। उसके बाद पंडित बीडी शर्मा विश्वविद्यालय 2008 में, बीडी का मतलब है पंडित भगवत दयाल शर्मा जो कि अपने प्रथम सीएम भी रह चुके हैं, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय 2008 के अंदर रोहतक में। राष्ट्रीय अगला अपने पास राष्ट्रीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान तो यही के है भाई, और आपको पता होना चाहिए भाई दो अशोक गई है, एक तो अशोक गई है और एक दूसरा बंदा और गई है उसका, तो वो भी फिल्म निर्माता है, वह भी रोहतक से बिलोंग करती है। तीसरा राजकीय फैशन डिजाइनिंग संस्थान रोहतक के अंदर, राज्य फाइन आर्ट संस्थान, राज्य व्यवसायिक महिला शिक्षा संस्थान, आकाशवाणी रोहतक इंपोर्टेंट है भाई देखो, आकाशवाणी रोहतक 8 मई 1976 में सबसे पहली आकाशवाणी कहाँ पे थी, ये रोहतक के अंदर थी भाई। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी थी कुरुक्षेत्र में 1991 में, तीसरी थी 1999 में कहाँ पे, हिसार के अंदर। उसके बाद 2002 में आया था दूरदर्शन जो कि हिसार के अंदर आया था और उसका ओपनिंग करी थी सुषमा स्वराज ने, उस टाइम पे सुषमा स्वराज थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाई आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय के, उसके बाद भिवानी के रह गए, भिवानी में क्या है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो कि भिवानी बोर्ड है 1981 में स्थापित किया गया था, हरियाणा ओपन बोर्ड 1994 और चौधरी बंसीलाल कहाँ के थे, भिवानी के, तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 2013 में एस्टेब्लिश हुआ है, तो कहाँ पे हो, भिवानी के अंदर है। देखो भाई KU किरुस्तर यूनिवर्सिटी है 1956, उसके बाद MDU है 1976 में, बाद 56 में या 76 में, बंसीलाल 2013 और हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड जो कि भिवानी बोर्ड भी कह देते हैं 1981 में आया था। उसके बाद आते हैं भाई हिसार पे, हिसार की बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, डेट याद रखने अपन, पहली आई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे हिसार में इंपॉर्टेंट है, जो कि 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय 2011 में, लाला लाजपत राय हिसार में, राजकीय भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 में हिसार के अंदर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1970 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, 1970 में चौधरी चरण सिंह होगी, 1976 में होगी MDU, समझ गए, MDU 76 में, 70 में होगी भाई चौधरी चरण सिंह, और क्या नाम है 56 में होगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और मार्कंडेश यूनिवर्सिटी जो कि अम्बाड़ा में वो है अपनी 2009 के अंदर, और उसके बाद एक बाबा मस्तनाथ जो कि 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी। अगला है राष्ट्रीय अशव अनुसंधान केंद्र, ये भी हिसार के अंदर, राष्ट्रीय भेड़ ये अशव भाई पशुधन फार्म प्रजनन केंद्र, हरियाणा टीका संस्थान महाराजा अग्रसेन हिसार के अंदर, मेडिकल कॉलेज जो है महाराजा अग्रसेन। उसका देखो आकाशवाणी कब आई थी 1999 में, नीचे बता दिया आपको, और एकमात्र दूरदर्शन कहाँ पे को ले गया था हिसार के अंदर 1 नवंबर 2002 को। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने कंप्लीट सारे के सारे शिक्षण संस्थान, ऊपर मैं कर रहा हूँ एक बार इसने पोज, किसी ने स्नैपशॉट लेना तो भाई स्नैपशॉट ले, इसका तो ये आधे का तो यहाँ रोक कर ले लो स्नैपशॉट, और इसके बाद कर रहा हूँ मैं नीचे ने, इसके बाद आधे का ले लो यहाँ पर,
ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए आपके जितने भी शिक्षण संस्थान हैं। तो भाई अपने फोटो खींच लेना, और मैं अगला टॉपिक करा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो अगला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई हरियाणा की कृषि एवं खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि में नहीं दिया हुआ तो भाई खनिज में तो जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपन ये देखना भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा बहुत। 5-10 मिनट में और हो जाएगा, 20-1 मिनट की वीडियो बनेगी, देख लेना, आपके दो टॉपिक बढ़िया कवर हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं भाई आगे, ठीक है। तो अपन बताना चाहिए चूना पत्थर क्वार्ट्ज रेगार चूना सोना कहाँ पे मिलते हैं भाई, सबसे ज्यादा मिलते हैं ये अंबाला के अंदर, ठीक है। और अंबाला भाई किसके उत्पादन में एक नंबर पे है, तो प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान पे है साहा फूड पार्क, और साहा फूड पार्क भी पता होना चाहिए आपने कहाँ पे है, अंबाला के अंदर है साहा फूड पार्क। चूना पत्थर क्वार्ट्ज रवेदार चूना और ये सोना, ये सारे के सारे कहाँ पे मिलते हैं भाई, अंबाला के अंदर, और प्याज उत्पादन में भी अंबाला एक नंबर के ऊपर है। उसके बाद आ जाते हैं यमुनानगर में, यमुनानगर में देखो गन्ना उत्पादन में भाई प्रथम स्थान पे है यमुनानगर, ठीक है। गन्ना उत्पादन में यमुनानगर प्रथम स्थान के पर है। उसके बाद इस साइड में कुरुक्षेत्र पे देखो, कुरुक्षेत्र आपने देख रहे हो, कुरुक्षेत्र में आलू शकरकंद उत्पादन में प्रथम स्थान, तो भाई आलू शकरकंद उत्पादन में प्रथम स्थान किसका हो गया, कुरुक्षेत्र का। इंपोर्टेंट है आलू शकरकंद उत्पादन में प्रथम स्थान कुरुक्षेत्र, तो हमारा ये डब्बा भी होगा। उसके बाद चलते हैं अपन मक्का उत्पादन में, देखो मक्का पूछा जाता है भाई, मक्का सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा भाई, पंचकुला का है मक्का उत्पादन में। और जो न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है 25 हेक्टेयर जो कि है, तो वो कहाँ पे है, पंचकुला में ही है, ठीक है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा वन भी पंचकुला के अंदर है, सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र मतलब डेंसिटी ज्यादा भी पंचकुला के अंदर, क्योंकि भाई क्योंकि पहाड़ियां आ जाती है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई सर्वाधिक सघन वन क्षेत्रफल और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दोनों के दोनों कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। उसके बाद आ जाते हैं आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं भाई जींद में, जींद में देखो सबसे कम झाड़ियां हैं, सबसे कम झाड़ियों वाला जिला, और सबसे अधिक झाड़ियां पाई जाती हैं कहाँ पे, सबसे अधिक झाड़ियां पाई जाती हैं गुड़गांव के अंदर। उसके बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद में केला सेब उत्पादन में प्रथम स्थान, तो केला सेब उत्पादन में प्रथम स्थान, वैसे सेब होता नहीं है भाई यहाँ पे, उंगली का क्या है थोड़ा बहुत हो जाता हुआ, तो केले में उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, फतेहाबाद का। उसके बाद गेहूं, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका भाई, सिरसा का है, ये सभी ना पता है, गेहूं में सिरसा प्रथम नंबर पे है। उसके बाद कपास में भी पहले नंबर पे है, आड़ू के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है, और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 698 हेक्टेयर जो कि सिरसा के अंदर ही है, और सिरसा के अंदर ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंजियाना में है, ठीक है। तो गेहूं में कपास में आड़ू में और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है, और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर, सर्वाधिक सघन वन कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। उसके बाद वापस चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, करनाल पे आ जाते हैं। करनाल में आपको पता होगा भाई धान का कटोरा कहा जाता है कि शहर को, करनाल को कर्ण के नाम से बसी हुई शहर है करनाल। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान धान कटोरा भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है कैथल के अंदर। उसके बाद है आम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, कैथल का है, तो आम उत्पादन में भी प्रथम स्थान कैथल का। और आम का मेला कहाँ लगता है, पंचकुला में लगता है पिंजौर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, देखो भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट्स कहाँ पे था, ऊपर देखो सिरसा में कोने में फ्रूट्स के लिए है सिरसा में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पे है, करनाल में है, ठीक है, जो कि गरोंडा में पड़ता है। उसके बाद आते हैं सोनीपत में सिट्रस उत्पादन में प्रथम स्थान, ही सोच रहे हो भाई सिट्रस क्या होता है, सिट्रस होते हैं भाई खट्टे फल फ्रूट, नींबू हो गया संतरे इस टाइप में हो गए, तो सिट्रस उत्पादन में प्रथम स्थान कहाँ पे है, सोनीपत में। तो भाई आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि भाई साइंस से रिलेटेड है कि भाई सिट्रस जो फ्रूट होते हैं खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी ने आंसर पता हो तो। और जो विटामिन सी है उसका साइंटिफिक नेम भी आपने बताना है, तो विटामिन सी में। तो आगे चलते हैं भाई अपना रोहतक में, रोहतक में ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान, तो रोहतक का ज्वार सबसे ज्यादा, रोहतक में ज्वार होती है तो ज्वार उत्पादन में रोहतक का प्रथम स्थान है।
उसके बाद आ जाते हैं आप फरीदाबाद में। फरीदाबाद में देखो भाई रजनीगंधा फूल सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर, और बजरी भी सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर ही मिलती है, जो कि एक तरह का आप लगा लो खनिज हो गया। तो बजरी सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर। अगर मैं खनिज का कोई रिलेटेड क्वेश्चन आओ तो महेंद्रगढ़ आपने लेकर चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, रोहतक में होगी ज्वार, फरीदाबाद में रजनीगंधा फूल और बजरी। उसके बाद चलते हैं आगे, देखो गुड़गांव में मैंने यहाँ पे नोट बना के लिख रखा है, सबसे अधिक झाड़ियों वाला जिला मैंने बताया था, सबसे कम झाड़ियां कहाँ पे है, जींद के अंदर है। उसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहाँ पे है भाई, पलवल में। लेकिन अभी कह रहे हैं भाई न्यूनतम वन क्षेत्रफल है फतेहाबाद के अंदर, और न्यूनतम 1% कहाँ पे कम है तो वो है पानीपत के अंदर। तो न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पे कम है तो वो है पानीपत, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वैसे पूछ लेते हो सीधा सीधा फतेहाबाद में। समझ गए भाई बात, पहले ये पलवल में था लेकिन अब फतेहाबाद हो गया, परसेंटेज में कम है पानीपत में। उसके बाद आते हैं गुड़गांव में। गुड़गांव में देखो भाई चीनी मिट्टी आइसनोपाइराइट है शायद, और ग्रेफाइट है। तो ये तीनों की तीनों चीज गुड़गांव के अंदर प्रचुर मात्रा में मिलती है। रेवाड़ी में सलेट पत्थर, रेवाड़ी के अंदर सलेट बर्तन, और पीतल नगरी भी इसको कहा जाता है, पीतल नगरी रेवाड़ी और स्टील सिटी हिसार। उसके बाद महेंद्रगढ़ भाई सबसे ज्यादा खनिज, अगर खनिज का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपने आंसर नहीं आ रहा तो आपने सीधा देखना चाहिए महेंद्रगढ़, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ में क्या क्या पाए जाते हैं तो आपने देखना है, पहला है संगमरमर, उसके बाद दूसरा है मैग्नेसाइट, संगमरमर, मैग्नेसाइट, बेराइट, क्वार्ट्स, एस्बेरेसाइट, एपेटाइट, कैल्साइट, तांबा, फल्सपार, सफ्टिक, काइनाइट, गार्नेट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज और सलेट, सारे के सारे कहाँ पे महेंद्रगढ़ में। ये क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर डोसी की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान के लगती, उन पहाड़ियों में से बहुत ज्यादा खनन के काम चलते रहते हैं, तो इसलिए महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा आपने खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद महेंद्रगढ़ में भाई सरसों और बाजरा भी बहुत ज्यादा होती है, तो सरसों का साग और बाजरे की रोटी दोनों के दोनों कहाँ पे महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद है हिलना पत्थर, हिलना पत्थर आपने पता होगा देखो चरखी दादरी अलग से निकाल दिया यहाँ पे, जो कि 2016 में बना दिया नया जिला, तो चरखी दादरी में हिलना पत्थर कल्याणा गांव में मिलता है, ठीक है। उसके बाद भिवाणी, भिवाणी देखो जो उत्पादन में प्रथम स्थान पे, लेकिन अभी कह रहे कि भाई सबसे ज्यादा जो अम्बाड़ा के अंदर होती है, तो चाहे तो भिवाणी आवा चाहे अम्बाड़ा होगा, तो अगर कोई ऐसा भी आवा जो में तो चाहे तो अम्बाड़ा चाहे भिवाणी, ठीक है। चना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, भिवाणी का है, और सरसों उत्पादन में पहला इसका था लेकिन सरसों में भाई महेंद्रगढ़ का है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भाई पहाड़ का ऊपर हिसार में चूना पत्थर एवं चोरा, चूना पत्थर एवं चोरा कहाँ पे है, हिसार के अंदर, और ऊपर वाले भाई अपने हो गए हैं कम्प्लीट। इसके लिए एक बार फोटो यहाँ से, और ऊपर की आड़े के लिए यहाँ से एक फोटो, ठीक है। तो ये हो गया अपने खनिज स्थान पूरे। कल एक नई वीडियो लेकर आऊंगा भाई, इसलिए इस वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर देना, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो शेयर जरूर कर देना, बेशक सब्सक्राइब ना करो, अगर फिर पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई एक बेल का आइकन होगा सब्सक्राइब के साइड में, तो उसने पकड़ गया बजा।